पुर धनवंतरी नगर के प्रतिष्ठित खदान कारोबारी मुकेश लांबा के 13 वर्षीय पुत्र के अपहरण के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में धनवंतरी नगर चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान मार्केट बंद रखा गया। प्रशासन के आला अधिकारियों सहित सैकड़ों स्थानीय जन इस प्रदर्शन में शामिल रहे। इस प्रदर्शन में लोगों ने अपराधों की विषय और पुलिस पेट्रोलिंग की मांग की है। लोगों ने बताया कि पुलिस की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हुई है। धनवंतरी नगर चौक में हो रहे छोटे छोटे अपराधों को लेकर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। 13 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को पहले ही कहा था कि इन छोटी छोटी घटनाओं पर कार्यवाही न करने पर किसी दिन कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने का परिणाम उस 13 साल के मासूम को चुकाना पड़ गया। हम सभी बहुत ही दुखद परिस्थितियों में यहाँ पर खड़े हैं। धनवंतरी नगर के निवासी माननीय लांबा जी का सुपुत्र विगत दिवस कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। पुलिस प्रशासन हमको विगत 4 दिनों से यह आश्वासन दे रहा था कि हम पूर्ण रूप से जांच में लगे हुए हैं और सफलता पा लेंगे। आज नवरात्र का दूसरा दिवस है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिवस है। आज इस पावन दिवस पे ऐसा दुखद समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। वो हमारे परिवार का बच्चा था। किसी भी माँ के लिए और किसी भी पिता के लिए और किसी भी भाई के लिए यह समाचार इन दिनों में, और वैसे भी कोई सपने में नहीं सोचता है कि इस तरह की घटनाएं उसके साथ में घट जाएंगी। पूर्व में भी धनवंतरी नगर में सांकेतिक रूप से छोटी छोटी घटनाएं होती आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल इंडिया।